हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का 15वीं अगस्त में मेरा जो व्यूवर्स है, मेरा फ्रेंड सर्कल्स है और मेरे चाहने वाले सब मित्रों को मेरा जय हिंद और नमस्कार। मित्रों, आज का जो वीडियो श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि चौमासा की ऋतु भरपूर मात्रा में बैलेंस हो रही है, सब जगह अच्छा बारिश हो रहा है, तो हमारा अच्छा बारिश में हमारा हेल्थ कैसे अच्छा रहे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मित्रों, अगले वीडियो में भी मैंने कई वीडियो बनाया है, पर आज जो पर्टिकुलर जो मेरा वीडियो है पर्टिकुलरली मानसून ऋतु में, मतलब बारिश में ऋतु में हमको स्किन डिजीज होने का संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बारिश के ऋतु में सनलाइट होते नहीं है, तो हमारा शरीर में और जो चमड़ी के भाग में फंगस और बैक्टीरिया ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हमको लगता है स्किन हमारी अच्छी है, पर कई बार हमारा जो जांग है और ग्रोइनी जो रीजियंस है, हमारे आर्मपिट रीजियंस है, हमारे बालों में जो स्वेटिंग थोड़ा होता है और ये स्वेट की वजह से इसमें फंगस और बैक्टीरिया ग्रोथ होने का संभावना रहता है और अलग अलग स्किन डिजीज होने का संभावना रहता है। तो मित्रों, इसमें कौन सा मेन स्किन डिजीज है, उनकी क्या मेडिसिन हो होम्योपैथी और क्या आप घरगथ उपचार और होम मेडिसिन भी कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको जो स्किन डिजीज़ के बारे में बताता हूँ, तो मानसून ऋतु में हमको सबसे पहले जो है ये जो रिंग वर्म बोलते हैं, जिसको दरार बोलते हैं, दादर की संभावना ज़्यादा रहती है। ये हमारे बगल के पार्ट में हो जाता है, कई बार छाती के भाग में होता है, लेडीज़ के छाती के भाग में हो जाता है और कई बार तो हमारा जो ग्रोइन रीजन है उसके हैरी पार्ट के आजू बाजू के जो हमारा लेग्स के अपर पार्ट में होने की संभावना रहती है। जब भी बारिश आता है तो इसमें खुजली आ जाता है और हमको शर्मिंदा मुद्रा में बैठा रहता है और देखते हैं तो रेडिश कलर के छोटे छोटे फुडली हो जाते हैं। कई बार उसका थोड़ा भी पानी अट जाता है, जैसे हम कपड़े निकालो और तुरंत वो चालू हो जाता है, इचिंग चालू हो जाता है, बर्निंग हो जाता है। कई बार तो आप सोने जाओ और इतना इचिंग आ जाता है कि आपको कई बार लगता है कि ये क्या हो गया। तो आप बाहर के जो ऑइंटमेंट लगाते हैं इसमें ज़्यादातर स्टीरॉयड होती है, ये टेम्पररी स्टीरॉयड आपको सप्रेस करती है। जैसे स्टीरॉयड की इफेक्ट ख़त्म हो जाती है तो ये डबल स्ट्रेंथ में बाहर आ जाता है और इसका जो पार्ट होता है पहले छोटा होता है, धीरे 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 बढ़ता है। तो भी ये जो रिंग वॉर्म के लिए होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर दवा है, इसके लिए एक तो बेसिलिनम दवा है, टेलूरियम दवा है, सेलेनियम है, फ्लोरिक एसिड दवा है एंड नाइट्रिक एसिड दवा। मित्रों, इसमें से 30 पोटेंसी में लेने का है, एक ही दवा का उपयोग करने का है और एक से डेढ़ महीना लगाने का है। जहाँ भी स्किन डिजीज हुए वही एरिया में आपको सोप्स या फिनोलिक कोई कंटेंट लगाने का नहीं है, वो एरिया ड्राई हो जाता है तो कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल आप लगा सकते हैं। दूसरा नंबर का जो डिजीज़ है उसको एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो जाता है। ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस कोई वजह से, फंगस की वजह से या कोई प्लास्टिक की वजह से या कोई आपने हैंडबैग की वजह से आपकी जो अंगुली में अपर पार्ट में हो जाता है, कई बार मुंह के आजू बाजू में हो जाता है, कई बार जो ग्रोइन एरिया में चेस्ट में हो जाता है, बैक के पीछे आ जाता है, पैर के नीचे आ जाता है, कई बार पानी का रिएक्शन के साथ भी हमारा एलर्जी हो जाता है तो उसको एलर्जी डर्मेटाइटिस हो जाता है। एलर्जी डर्मेटाइटिस में कौन सा सिम्टम होता है, तो कई बार खुजली आता है, पानी वाला परू वाला फुडली निकल आता है, एक फुडली टूटता है तो दूसरी जगह हो जाता है, दूसरी जगह टूटता है तो ऐसे ही फैलाता रहता है। इसमें थोड़ा भी भेजा जाए और पानी अट जाए, जो ऐसे पैरों में हो जाता है अंगुली के बीच में, तो यही प्रॉब्लम बहुत हैरान कर देता है। तो इसमें भी इचिंग आए तो आपको होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है, सबसे पहले तो रस्टॉक्स नाम की दवा है, दूसरा नंबर की सल्फर है, थर्ड नंबर की एपिस मेलिका का है, फोर्थ नंबर की सिलिशिया है एंड फिफ्थ नंबर की हेपारसल नाम की दवा है। ये दवा आपको 30 पोटेंसी में लेने का है, लॉन्ग टर्म लोगे तो आपको जो एलर्जिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। मित्रों, आगे का जो डिजीज़ है उसको सोरायसिस बोलते हैं। सोरायसिस के लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में बताएंगे कौन से प्रकार के सोरायसिस होता है। तो सोरायसिस में हमारा स्किन में एक लेयर हो जाता है, इतना थीक हो जाता है, कई बार तो शुरुआत के केस में तो हमारा हेड में आ जाता है और हेड में ऐसा लगता है कि हमको कोई थीक डैंड्रफ है, पर कई बार डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो देखता है तो ये सोरायसिस हो जाता है। सोरायसिस के पोपड़ा निकलने के बाद इसमें से थोड़ा
ऑयली और थोड़ा एक वाटरी डिस्चार्ज होता आता है। ये जनरली हमारे जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, कई बार पैरों में हो जाता है, पैरों में एंगल में हो जाता है, नी में हो जाता है, एल्बो में हो जाता है, पीठ में हो जाता है, कई बार स्मॉल सर्कल होता है, सर्कल बढ़ता रहता है, इसमें से कंटिन्यूस वो वाइट स्केल ही निकलता रहता है। तो जनरली मानसून ऋतु में ज़्यादा हैरान करता है, जब क्रैक होता है तो दर्दी को बहुत ड्राइनेस होता है, स्किन में खींचाव हो जाता है, तब होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है। मैं जो पांच दवा बताता हूँ, सबसे पहले तो जो मेजेरियम नाम की दवा है 30 पोटेंसी में लो, सेकंड नंबर की सल्फर है, थर्ड नंबर की पेट्रोलियम है, फोर्थ नंबर की नेट्रम्यूरार और फिफ्थ नंबर की जो दवा है ये आपको ग्रेफाइट इस दवा है 30 पोटेंसी में यूज़ करने का है। मित्रों आगे की जो चौथा नंबर का जो मेन डिजीज हो जाता है पर्टिकुलरली मानसून ऋतु में, उसको अल्टीकेरिया रैश बोलते हैं। अल्टीकेरिया रैश में चमड़ी के नीचे ऊपर एक लेयर आ जाता है और ये पफिनेस हो जाता है, इसमें बर्निंग होता है, पेन होता है, खींचाव हो जाता है, ये मानसून ऋतु में ज़्यादातर आ जाता है, उसको अल्टीकेरिया रैश होता है। ये अल्टीकेरिया रैश कोई फूड की वजह से हो सकता है, कई बार तुम्हारा इंटेस्टाइन में कोई सप्रेस कोई जो मरडा बोलते हैं जिसको सप्रेस डिसेंट्री की वजह से भी हो सकता है, आईबीएस की वजह से हो सकता है, कई बार आपने कोई ड्रग इंड्यूस कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेते हो तो भी हो सकता है, वेदर से भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले एपिस मेलिफिका नाम की दवा है, इसमें आर्निका भी दवा 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, सल्फर नाम की दवा है और पेट्रोलियम नाम की, और चौथा नंबर की सिलिशिया दवा। ये दवा में से जो आपका कोई कनेक्टिव जो सिम्टम लगे तो 30 पोटेंसी में लेने का है और लॉन्ग टर्म लेने का है, 1 से 1.5 महीना लोगे तो आज लाइफ लॉन्ग चला जाएगा और फिर से मानसून ऋतु में नहीं आएगा, ये शॉर्ट शॉर्ट है। मित्रों जो आगे की जो पर्टिकुलरली डिजीज़ है एक्जिमा, एक्जिमा मीन्स खरजुआ, इसमें विपिंग एक्जिमा मीन्स खरजुआ में पानी पर निकलता है, इसको मेडिकल भाषा में विपिंग एक्जिमा बोलते हैं। तो ये विपिंग एक्जिमा में होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, जब इचिंग हो जाता है पैरों की अंगूले में आ जाता है, कई बार नेक के पीछे आ जाता है, काला दाग पड़ जाता है हमारे स्किन में और कॉस्मेटिकली भी ख़राब दिखता है, दर्दी को लगता है कि मेरे को ये क्या हो गया है, बार बार इचिंग आ जाता है, ये कोई डर्मेटिक कोई ऑइंटमेंट लगाता है स्टीरोड युक्त तो टेम्पररी आराम रहता है, फिर से उभर आ जाता है और इसमें से पानी और परू निकलता है और दर्दी को इचिंग हो जाता है और दर्दी को बेचैनी महसूस करता है कि उसको क्या होगा है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है, सबसे पहले तो ग्रेफाइटिस है, ग्रेफाइटिस से 30 पोटेंसी से ज़्यादा यूज़ नहीं करो क्योंकि इसमें एग्रावेशन आने की संभावना रहती है, 30 पोटेंसी में लेने का है। दूसरा नंबर जो है पेट्रोलियम है, थर्ड नंबर ये रस्टॉक्स है, फोर्थ नंबर की दवा जब मानसून में होता है तो नेट्रम सर्प 6x पोटेंसी बायोकेमिक में लेने का है। ये और जो आगे भी होम्योपैथिक जो आप लेना चाहते हैं तो सल्फर दवा का कॉम्बिनेशन करके भी ले सकते हैं। मित्रों जब भी मानसून ऋतु में आपको स्किन डिजीज हो जाए तो ये स्किन डिजीज में आपको ऑइंटमेंट नहीं लगाने का है, ओनली वही एरिया आपको लुब्रिकेंट रखने का है, एवरी 4 आवर्स आप कोई लुब्रिकेंट लगाते रहो तो आपका जो वेट एरिया रहेगा तो इचिंग कम आएगा, इन्फ्लेमेशन कम रहेगा और उसको जब भी आप वॉश करने को जाओ तो गर्म पानी से साफ करके पहुंच देने का है। वही एरिया में कोई फिनोलिक कंटेंट या सोप्स का यूज़ मत कीजिए क्योंकि यही प्रॉब्लम्स कई बार आपको इरिटेटिंग और एग्रावेट कर सकता है। मित्रों आगे का जो डिजीज़ है उसको स्कैबिस बोलते हैं, वो स्कैबिस कई बार हमारे अंगुली में आ जाता है और पैर की अंगुली में आ जाता है, इसमें पानी जैसे फुटली आता है, पेन होता है, दर्द होता है, इचिंग होता है, बर्निंग होता है, तब भी होम्योपैथिक इज अ मास्टर ड्रग, इसमें सल्फर दवा ले सकते हैं, पेट्रोलियम दवा ले सकते हैं, एसिड नाइट्रिकम दवा ले सकते हैं। होम्योपैथिक में सिलिशिया दवा है एंड हेपार सल्फ नाम की दवा है, इसको 30 पोटेंसी में लेने का है। 30 पोटेंसी लेने से धीरे धीरे आपका जो भी स्कैबिस के जो सिम्टम्स आया हुआ है जो फंगस का, तो ये जड़मूड़ से मटा देते ही है और होम्योपैथिक से फिर से नहीं होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। मित्रों आगे की जो डिजीज़ है उसको लाइकन प्लेनस बोलते हैं, मैंने पिक्चर में भी सब पिक्चर में बताया हुआ है क्या है लाइकन प्लेनस, वो कारा डाग बोलते हैं जिसको, तो ये जैसे सफ़ेद डाग पड़ जाता है स्किन में, कारा डाग पड़ जाता है फेस पर आ जाता है, लोअर लिम में ज़्यादातर आ जाता है, हाथों में आ जाता है और इसमें इचिंग ज़्यादा आता है। कई बार हमको मसा जैसा लगता है तो मसा में इचिंग नहीं होता है, पर कई बार उसको लाइकन प्लेनस होता है तो इसमें इचिंग हो जाता है। और होम्योपैथिक में इसकी मास्टर ड्रग्स है, आधुनिक साइंस में उसको स्टीरोड युक्त कोई एक्सटर्नल ऑइंटमेंट दिया जाता है। होम्योपैथिक इंटरनल दवा लेते हैं तो इंटरनल हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्किन अच्छा करता है, स्किन में निखार आ जाता है, स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। सपोज आपको कॉस्मेटिकली आँखों के नीचे काला कुंडाला आ जाए हो या
आपके जो स्किन के नीचे खड्डे आ गए हो, खील आ गए हो, उसके दाग पड़ गए हो, तो होम्योपैथिक में स्किन डिजीज़ नाम की जो स्किन पीलिंग होम्योपैथिक होता है, ये आप 3 से 6 महीना करोगे तो शॉर्ट आपका जो स्किन में एकदम निखार आ जाएगा, और जो दाग पड़ गए हैं और खड्डे भी पड़ गए हैं पोस्ट स्कारिंग के लिए, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम कर सकता है और कम्प्लीटली क्योर कर सकता है। मित्रों, होम्योपैथिक में स्किन के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो जो मैंने बताया वो स्किन डिजीज़ के लिए आप जो दवा करोगे तो ये आपको शॉर्ट मिल जाएगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।